अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक नए ट्रिक के साथ, वो भी मैथ का। नाइन्थ क्लास में अक्सर आप देखते होंगे कि लॉगरिथम का जो टेबल है उसमें लॉग 10 की कीमत 1 हम कह देते हैं। अब आज हम प्रूव करेंगे लॉग 10 1 बनता कैसे है, तो देखते हैं, हम चलते हैं ऑन बोर्ड। स्टूडेंट्स, बात करेंगे लॉग 10 इज इक्वल टू 1 हाउ, कैसे बनेगा, ये आज हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है लॉग 10। अब लॉग 10 को हम जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए, लॉग 10 है तो इसको अगर मैं इसको इस तरीके पे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लॉग, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5 कर दें। तो अब देखिए, रूल ये कहता है कि मल्टीप्लीकेशन हो तो लॉग में हम इसको प्लस में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे लॉग, ठीक है, 2 प्लस लॉग 5। अब उसके बाद बात करें लॉग 2 की कीमत जो है, कैलकुलेटर हमें बताता है वो है 0.3010 प्लस। अब लॉग 5 की कीमत जो है कैलकुलेटर निकालें तो हमारे पास आती है 0.6990। अब जब कैलकुलेशन करते हैं तो इन दोनों को ऐड करने के नतीजे में आंसर आता है हमारे पास 1। इसका मतलब है लॉग 10 की कीमत क्या आ चुकी है, हमारे पास 1 आ चुकी है। अब एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ कि लॉग 10 की कीमत अगर 1 है तो अगर हमारे पास 100 हो या हमारे पास 1000 हो तो फिर क्या बनेगा। अब इसमें एक आसान ट्रिक है कि अगर हमारे पास लॉग 100 हो तो इसकी आंसर आएगा 2। अब ये बात क्या है कि हमारे पास एक तो सिंपल बात, जितनी भी जीरो होगी उतनी वैल्यू आएगी। अब ये कैसे बनेगा देखते हैं। लॉग 100 है तो हम इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई 10, यानी इसको 10 मल्टीप्लाई 10 रखते हैं तो 100 बनता है। तो पावर में हमने लिख दिया, तो रूल ये कहता है कि पावर शुरू में लॉग 10 आ चुका है और 2 लॉग 10 की कीमत अभी हमने प्रूव की है 1, इसकी जगह 1 आ चुका है। इसको प्रूव करेंगे तो ये हो चुका है 2। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे 3 कर दिया तो फिर क्या होगा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 3। तो अब 3 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे रिप्लेस करने के नतीजे में 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 1000 का क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर हमारे पास लॉग 10,000 हो तो डेफिनेटली अगर हम बात करें इसमें इनसे की 0 देखें तो डेफिनेटली 1, 2, 3, 4 उसका आंसर सिंपल क्या आएगा, 4 आएगा। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है इस तरीके से आएगा। तो ये तो एक छोटा सा ट्रिक जो कि लॉगरिथम के हवाले से है और इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।